डालने से पहले एक दाना तोड़ के देख लो कि इसमें मेरे सीताराम है कि नहीं है, बस यही देख रहा हूं तोड़ के बाबू महाराज और कुछ नहीं। बोले वो बड़ा तू भक्त बनता है, तुम्हारे हृदय में सीताराम है कि इस माला में रहेंगे? बोले अभी तक तो नहीं देखा हूं महाराज, आप कहते हो तो देख लेता हूं। तब वह तुरंत अंगुली धंसाए सीना चीर दिए, अंदर भगवान सीताराम सहित प्रकट हो गए के माथे सीताराम विराजे। माथे सीताराम लिखवाने से नहीं, लवकुश कांड तक हनुमान जी ने सेवा किया भगवान का समर्पण भाव से और मान अपमान का त्याग करके। इसलिए हम सभी साधकों को हनुमान जयंती से यह सीख लेना चाहिए कि हनुमान जी के जैसा हम अपने आराध्य का सेवा करें तब आपको हनुमान जी आशीर्वाद देंगे। इसलिए हनुमान जी का गुण आप सीखिए, न वो गुटखा खाते थे न खैनी खाते थे, सेव संतरा फल खाते थे, मांस मछली भी नहीं खाते थे। तो इसलिए हनुमान जी के अगर आप सच्चे भक्त हैं। देव भगवान की जय। बैठ जाओ। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। कितना शुभ संयोग है कि
आज मंगलवार भी है और चैत्र पूर्णिमा के दिन ही श्री हनुमान जी का जन्म हुआ था ऐसी मान्यता है। तो आज हम सब लोग चर्चा करेंगे कि भारत में वह स्थान कहाँ कहाँ है, कई मान्यताएं हैं जहाँ हनुमान जी का जन्म हुआ था, और उस पर भी चर्चा करेंगे कि हनुमान जी विवाहित थे या अविवाहित थे, विवाह किए थे या नहीं किए थे। बहुत से लोग कहते हैं कि रावण के दामाद भी हनुमान जी लगते थे, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। सुना था कोई आदमी इसमें अभी तक? तो इसलिए और हम लोग आज चर्चा करेंगे कि हनुमान जी कितने लाख वर्ष पहले हुए थे। देखिए, हजार दो हजार वर्ष पुरानी संस्कृति वाले इतना आपस में गर्व करते हैं, लेकिन हम सब लोगों की जो संस्कृति है ये करोड़ों वर्ष पुरानी है। इसलिए हम सनातनियों को अपनी संस्कृति पर और गर्व होना चाहिए। अब आप देखेंगे कि भक्त और भगवान दोनों का जन्म चैत महीना में ही होता है। अब पूरी मानवीय संस्कृति के सबसे बड़े देवता मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादित जीवन जीने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी का भी जन्म चैत महीने के रामनवमी के दिन हुआ था, चैत रामनवमी। और दुनिया के सबसे बड़े भक्त, और आज भी ऐसी मान्यता है कि कलयुग में हनुमान जी अमर हैं, वैराग्य रूपी हनुमान वैराग्य सदैव अमर रहता है, क्योंकि बिना वैराग्य के भगवान को कोई नहीं पा सकता। वैर धन राग से उपराम जो हो गया वही वैरागी है। तो हनुमान जी सबसे बड़े भक्त हैं, जो मान अपमान से ऊपर उठ करके भगवान का सिर्फ कार्य करने में लगे हुए हैं। और वो कहते हैं, जब समुद्र पार करते हैं तो वो कहते हैं कि देखिए अभी तो मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। राम कार्य को किए बिना मुझे विश्राम नहीं है, इसलिए मैं उधर से लौट के आऊंगा मैया, तुम्हारे मुंह में स्वयं घुस जाऊंगा, तुम खा के अपनी भूख मिटा लेना। तो तमाम चीजों पर हम सब लोग चर्चा करेंगे। तो रामनवमी में भगवान जन्मे और चैत्र पूर्णिमा के दिन श्री हनुमान जी का जन्म हुआ। तो सबसे पहले किसी की अगर जयंती हो तो जयंती के दिन यह नियम होता है कि हम सब लोग उसके जन्म के बारे में थोड़ा सा जाने। तो हनुमान जी की माता का नाम जैसा सब लोग जानते हैं अंजना, और पिता का नाम केसरी था, और हनुमान जी के बचपन का नाम था मारुति नंदन। हनुमान जी के बचपन का नाम मारुति नंदन था, और बहुत से लोग शंकर सुवन भी कहते हैं। शंकर जी के अवतार भी श्री हनुमान जी माने जाते हैं, ऐसा पूरे भारत में लोग जानते हैं। श्री रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने जिक्र भी किया है कि जब धरती माता भगवान के अवतार के लिए देवताओं सहित प्रार्थना की तो भगवान ने कहा जाओ मैं नर रूप में आऊंगा। तैसे ही ब्रह्मा जी ने सभी देवी देवताओं को आदेश दिया कि आप लोग वानर तन धर धर के जा करके भगवान की सेवा कीजिए।
उसी बात को शंकर जी भी सुन रहे थे, तो शंकर जी ने भी स्वयं हनुमान जी का रूप धारण करके, तो शंकर सुवन शंकर जी का ही रूप हनुमान जी का था, कहीं न कहीं उनके स्वरूप से हनुमान जी का जन्म हुआ था, तो इसलिए एक तरह से वो स्वरूप से इस स्वरूप का जन्म हुआ, इसलिए शंकर सुवन। बहुत से लोग कहते हैं कि हनुमान जी शंकर जी के पुत्र थे क्या, स्वरूप का उस स्वरूप से इस हनुमत स्वरूप का जन्म हुआ इसलिए शंकर सुवन। केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन, हनुमान चालीसा में आप सब लोग पढ़ते हैं। तो अब श्री हनुमान जी के आप लोगों के मन में होगा कि क्या हनुमान जी को कोई भाइयों बहन था, तो हनुमान जी को भाई बहन था, मतिमान श्रुतिमान गतिमान धृतिमान और भीम, ये भाई बहन थे हनुमान जी के। भीम भी भाई थे, भीम पवन सुत थे ना, पवन पुत्र, हनुमानो जी पवने पुत्र थे, तो भीम भी हनुमान जी के भाई थे। एक बार की बात है कि अलकनंदा नदी के किनारे भीम जा रहे थे पुष्प तोड़ने के लिए, कमल का पुष्प उधर से बहते हुए आ रहा था, तो द्रौपदी माता ने कहा कि हमें ऐसा ही पुष्प चाहिए, आप लेकर के आओ भीम को। और इधर भगवान ने हनुमान जी को कहा, भीम को थोड़ा अहंकार हो गया है अपने बल पर, जा करके दो तीन प्रेरक कहानियां भी हनुमान जी की बीच में हम आगे सुनाएंगे, और ये थोड़ा सा यहाँ भीम का जिक्र हुआ और भीम भाई कैसे लगते थे हनुमान जी का, तो इस पर इसलिए हम चर्चा कर देते हैं। तो हनुमान जी वृद्ध बानर का रूप धारण करके नदी के किनारे पगडंडी था वहीं जाके लेट गए, और इधर से भीम द्रौपदी ऐसा कुछ भी मांगे और भीम न दे ऐसा हो नहीं सकता था, और भीम को माता द्रौपदी बहुत मानती थी, पांचों पांडव में भीम को सबसे ज्यादा, क्योंकि भीम की हर आज्ञा का पालन करते थे, द्रौपदी के हर आज्ञा का पालन भीम करते थे। जैसा आप लोगों ने देखा भी होगा कि महाभारत में खून पी गए थे और उसी खून से जटा धोई थी, तो उससे ज्यादा और मानने लगी द्रौपदी। तो जा रहे थे हनुमान जी लेटे हुए थे, भीम जाके कहते हैं रे बानर उठ, रास्ता में क्या बैठा हुआ, उठो रास्ता हटो, मैं जा रहा हूं। हनुमान जी ने कहा भैया बुढ़ापा का शरीर है, हाथ पैर डोलाने में बड़ी दिक्कत होती है, देखिए जवानी में ये बाड़ू था कितना गाता था, एक एक घंटा पच पच तल्ला पर चढ़ जाता था, आज है कि सीढ़ी नहीं चढ़ सकता, गा नहीं सकता, तो बुढ़ापा का शरीर है तो ये कितना पहलवान होगा, और क्या नाम है, एक समय ऐसा आता है तो हनुमान जी कहें देख भैया मैं बुढ़ापा हो गया हूँ, पूंछ इधर से उधर हटती नहीं है, हाथ उठता नहीं है, रास्ता बदल के चले जाओ। भीम ने कहा कि मैं आज तक रास्ता बदला ही नहीं, तुम हटते हो कि पूंछ पकड़ के उठा के नदी में फेंक। हनुमान जी ने कहा भाई अगर तुमको इतना ही है तो फेंक दो पूंछ, काहे नहीं फेंक दो, वैसे ही वृद्ध को लोग अपमानित करते हैं, तुम कर दो, तुम्हारे संस्कार में अगर यही है तो, बाप दादा यही सिखाया है तो कर दो। अब भीम उस समय थोड़ा सा उद्वेग में आ गए और पूंछ पकड़ के लगे उठाने, पूछो ही नहीं उठा हनुमान जी, पसीना पसीना हो गए। तो जब पूछ नहीं उठा तब हनुमान जी से कहे हम आप कौन है, आप बानर रूप में कोई विशेष है, बोले भाई मैं तो पवन पुत्र हनुमान हूं। तो भीम ने कहा मैं भी तो पवन पुत्र ही हूं, तब तो आप मेरे भाई हैं, तो आप इतने बलवान कैसे हो गए। तो
हनुमान जी ने कहा देखो मैं हूं बाल ब्रह्मचारी और तुम है कि बियाह कैले है 6-7 थे, तो इसलिए तुम मेरी पूछ नहीं उठा पाया। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हनुमानो जी बियाह किए। अब व्याख्या करने वाले बहुत से लोग अपना, क्योंकि बियाह करने वाले जो लोग हैं वो तो भगवानों को बियाह करा दिए, जब भगवानों को बियाह कराएंगे तब ना अपने भी बियाह करत बनेगा, कहेंगे भाई भगवान किए थे तो हम लोग किए हैं। लेकिन हनुमान जी को तो आज तक सब लोग यही जानता है कि ब्रह्मचारी थे। लेकिन जो जिक्र है उसको मैं बता दूं कि हनुमान जी की कितनी पत्नियां थी, तो 3 पत्नी थी हनुमान जी। पहला पत्नी सूर्य देव की पुत्री सुचला पहला पत्नी। दूसरा वरुण देव की पुत्री अनंग कुसुमा। तीसरा रावण की पुत्री सत्यवती। अब पुत्र के बारे में इतिहास में केवल एक ही आता है कि वही हनुमान जी के जो पुत्र थे वो मकर ध्वज, और वो भी कैसे हुआ था, तो वो पसीना लंका में जब आग बुझा रहे थे तो पसीना चुआ, तो वही पुत्र जन्म ले लिया। ठीक है ना। लेकिन भले यहाँ विवाह का जिक्र हो, ये सब आध्यात्मिक है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए उसकी विशेष चर्चा करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे जब आप भजन करने लगेंगे तो अंजना श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति अंजन, ये गुरु का चरण रज ही अंजन है। और पवन, जब भजन करते करते यह मन पावन हो गया तो इसी मन में वैराग्य जन्मता है, वैराग्य रूपी हनुमान। समान निरादर आदर सब संत सुखी विचरंत। मान अपमान से साधक उपराम हो जाता है, इसलिए अब बहुत से लोग जो कहते हैं कि भाई हनुमान जी का जो जन्म हुआ था वो भारत में क्या अभी जगह है जहां पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। उसके पहले हनुमान जी के बचपन की एक कहानी सुना देते हैं कि हनुमान जी नींद से जगे और उनको लगी थी भूख। आप लोग देखे लड़कन सब नींद से जगा है तो सीधे मम्मी खाना, या बूढ़े सब जगह है तो कोई भी जगता है, 3 बजे उठता है भुंजा भुंजा लाओ रे, कुछ लाओ मठा उठा पिए। तो हनुमान जी सुबह में उठे, भूख लगा हुआ था, अब लगे भोजन मांगने, तो भोजन नहीं मिला तो पेड़ के बीचों बीच सूर्योदय हो रहा था तो वो लाल लग रहा था। तो हनुमान जी सोचे कि कोई फल वोल है, तो बस लेट हुआ भोजन करने में तो मारुति नंदन तो नाम था सन्न दे उड़े और गए सूर्य भगवान को लीग गए। अब हनुमान जी का मुंह टेढ़ा कैसे हो गया है उस पर बता रहे हैं। हनुमान जी का मुंह टेढ़ा है ना, ऐसे पहले बचपन में मुंह जैसे लड़कन का होता है वैसे नहीं था, लेकिन जब जाके सूरज को लील गए, इसका मैंने आध्यात्मिक व्याख्या बताया भी है कि सूर्य को लीलने का मतलब क्या होता है, लेकिन यहाँ जो बाहरी व्याख्यान है वो थोड़ा सा कर देते हैं। आज हनुमान जी का जयंती है इसलिए। तो हनुमान जी गए लील गए, अब लील के होके उगिलवे नहीं करे तो अंधेरा छा गया, तो इंद्र वगैरह सब आए, तो इंद्र अपन बजरवे से मुहुए में मार दिया हनुमान जी को, तो हनुमान जी फक दे मुहुआ फटा, बस सूर्य भाग गया, सूर्य भगवान बाहर निकल गए और वह समय मुहुआ हनुमान जी के टेढ़ा हो गए। देखे एक मुख का कोई तरह मुहे पर मार दे, दांत टूट जाए ने टूट जाए तो जिंदगी भर के लिए हो जाता है। तो फिर पवन देव नाराज हो गए कि हमारे बेटवा को तुम लोग कैसे मारे वाला है, ऐसे आजकल कोई के बेटवा को मार दो तो माई बहन जेल में जाके केस कर देते, हमारे बेटवा को कहला मर ली हा। तो पवन देव नाराज हो गए, बोले कि हम ऑक्सीजन नहीं देंगे, त्राय त्राय हो गया पूरे धरती में।
तो फिर देवता लोग कैसों कैसों प्रार्थना किए, हनुमान जी को सही किए और तब जाके फिर वायु का संचार हुआ। तो साधक जब भजन चिंतन करने लगता है तो सूर्य ज्ञान के प्रतीक है, प्रकाश के प्रतीक है, तो अंदर वो प्रकाश आ जाता है। यही हुआ बाल समय रविवक्ष लियो तब तीनों लोक में अभियार, तब ये रजोगुण तमोगुण सतोगुण में अंधेरा छा जाता है, तीनों गुण में अंधेरा छा गया, फिर साधक का भजन गतिमान हो जाता है। तो हनुमान जी के बचपन की एक कथा है कि हनुमान जी बचपन में थोड़ा बदमाशी करते थे, हम सब बच्चा बदमाशी, कृष्ण भगवान बदमाशी करते थे, राम भगवान कभी नहीं किए, उनके जीवन में बचपन काल भी उनका मर्यादित था, लेकिन कृष्ण भगवान थोड़ा नटखट थे, उसी तरह हनुमान जी नटखट थे। और ऋषि मुनि अपना झोला झंडा कहीं इधर उधर रख ले रहे तो उधर से उधर कर दें, उधर से उधर कर दें, तो संत महात्मा ने श्राप दे दिया, बोले जाओ तुमको अपना बल याद नहीं रहेगा। तो देखते हैं जब सुंदरकांड में अभी साधु बाबा आप लोगों को सुनाएंगे, उसमें एक जिक्र आएगा कि जब समुद्र के किनारे जाकर के सब लोग बैठ जाते हैं तो कहते हैं यह निश्चित हो जाता है, क्योंकि गिद्धराज ने बता दिया कि उस पार अशोक वाटिका के नीचे माता सीता बैठी हुई रो रही है, ये कंफर्म हो गया कि समुद्र के उस पार माता सीता बैठी हुई। तो अब जाएं कैसे, क्योंकि गिद्ध ने कहा कि मैं देखूं तुम ना गिद्ध ही दृष्टि अपार, मैं देख रहा हूं तुम नहीं देख पा सकते। तो सद्गुरु महापुरुष ही एक तरह से भविष्य दृष्टा होते हैं, हम साधक हम भक्त नहीं देख पाते कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन संत महात्माओं को सब पता है। तो संत महात्मा बताते हैं देख इस संसार से जब पार जाओगे तो उस पार में वो शक्ति रूपी सीता, शांति रूपी सीता, भक्ति रूपी सीता, अशोक वाटिका जहाँ कोई शोक नहीं है उस वाटिका के नीचे बैठी हुई है, वहां जाओ वहां तुम्हें मिल जाएंगी। लेकिन अब पार होना है समुद्र, तो सब कह रहे भैया पार कैसे होंगे, अंगद कह रहा है कि मैं तो चला जाऊंगा लेकिन आने में संदेह। तो क्या नाम है जामवंत कहते हैं देख तू तो बाप तो मरिए गया और हमको बड़ी सहेज के गया था, अब तुमको भेज देंगे दिक्कत हो जाएगा। जामवंत कहे क्या कहूं मैं भी कई बार परिदक्षिणा कर चुका हूं पूरे धरती का, लेकिन अब तो बूढ़ा हो गया हूं, बूढ़ भयं न त करतं कछु सहाय तुम्हार, सब लोग अब माथा पर ऐसे हाथ धैले हैं, अब उस पार जाए कौन। हनुमान जी को बल तो है लेकिन याद नहीं है, वही ऋषियों के श्राप के चलते। तब लास्ट में जामवंत जी को याद आया, जामवंत जी ने कहा अरे हनुमान जी पवन तनय बल पवन समाना का चुप साधी रहे हूं बलवाना, आप पवन तनय हैं और पवन के समान आपको बल है और आप चुप बैठे हैं, जहां इतना सुने। तो ऋषियों ने कहा था कि अपने से इसको अपना बल याद नहीं आएगा, कोई याद दिला देगा तब आ जाएगा। जहां हनुमान जी ने सुना तुरंत बल याद आ गया, सुनते ही भयं पर्वताकार पर्वत के आकार के हो गए, लीलम नागम जलनिधि खारा, बोले अभी आप आदेश दो समुन्दर को पी जाऊं, अगस्त मुनि ने जैसे पिया था नाग जाऊं। तब जामवंत ने कहा नहीं देखो भावना के उद्वेग में, जब साधक को कभी कभी भाव जगता है भजन चिंतन करने का तो भावना के उद्वेग में तुरंत घर गृहस्थी छोड़ देगा, तुरंत चल देगा, ऐसा नहीं विवेक से। जामवंत कहते हैं विवेक पूर्वक चलो, अलबलाहट में मत चलो नहीं तो काम गड़बड़ा जाएगा, भक्ति भजन जो होता है वो विवेक से किया जाता है।
तभी इस संसार सागर से पार हो जाओ, नहीं हड़बड़ाहट में संसार में डूब जाओ। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताय, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाय। बिना विचारे जो लोग कुछ करते हैं बाद में पछताते हैं, वो चाहे भक्ति हो चाहे भजन हो या संसार का कोई काम हो। तो इसलिए कोई काम करो तो 10 बार विचार लो कि इसका परिणाम क्या होगा, तब उसके बाद उस कार्य में अपने आप को संलग्न करो। तो हनुमान जी को जामोन जी कहते हैं कि बुद्धि विवेक से काम करना। तुरंत हनुमान जी कहे ठीक है, उसके बाद नॉर्मल हुए, फिर चल दिए। फिर देवता लोगों ने देखा कि ये भगवान का काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो सुरसा नाम यहीन कह माता, सुरसा को भेजे जाओ, कनी बुद्धि बल विवेक हनुमान जी का था के लाओ, ये राम जी का काज कर पाएंगे कि नहीं। राम जब बुद्धि बल विवेक सुरसा ने था लिया तब आशीर्वाद दे दी। उसने कहा राम काज तुम करी हो, राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे सुरसा गई हरसि चले हनुमान। फिर रास्ते में कई राक्षसियां आई, परछाई पकड़ लेती थी, उसके बाद उसको मारा। फिर पर्वत आया विश्राम करने के लिए, हनुमान जी ने कहा नहीं, मुझे बिना प्रभु का विश्राम, जो साधक होते हैं वो बिना भजन चिंतन पूर्ण हुए विश्राम उनके जीवन में नहीं होता। जब तक लक्ष्य नहीं प्राप्त हो जाता है, पूज्य गुरुदेव भगवान ने यथार्थ गीता में कहा है कि कृपा का आचरण ही कृपाचार्य है, और साधक जब तक पूर्ण स्थिति को नहीं प्राप्त हो जाता तब तक उसके जीवन में विश्राम का कोई नहीं, तब तक भजन करते ही रहना है। जब लास्ट स्थिति आ जाती है तब भजन हमारा भरी करें, मैं पाऊं विश्राम, तब जाके लास्ट अवस्था में विश्राम होता है। तब आप देखते हैं भगवान चले गए और हनुमान जी अभी तक विश्राम कर रहे हैं, भर कर चुका है। और जब तक भगवान राम थे तब तक हनुमान जी 1 मिनट विश्राम नहीं किए थे। अयोध्या भी आए थे तो हनुमान जी फूल माला पहुंचे करते थे। और बहुत से लोग कहते हैं कि पहला हनुमान जी का जो जन्म स्थान अभी के समय में आज का जो भारत वर्ष है, क्योंकि हनुमान जी का जन्म लगभग आज के 9 लाख वर्ष पूर्व पहले हुआ। सोचो कि हमारी सनातन संस्कृति कितनी पुरानी, 9 लाख वर्ष पूर्व पहले हनुमान जी भगवान श्री राम जी के साथ ही चैत महीना में इस धरा धाम पर आए थे। तो 9 लाख वर्ष पहले तो हो सकता है भौगोलिक स्थिति के हिसाब से उन जगहों का नाम कुछ और रहा, आज की भौगोलिक स्थिति कुछ और है। तो 3 जगह पूरे भारत में, 4 जगह लोग मानते हैं कि हनुमान जी यहाँ यहाँ जन्मे थे। तो पहला है हरियाणा का कैथल, जिसको कपी स्थल भी कहा जाता है। दूसरा है आदिवासियों की मान्यता के हिसाब से गुजरात में के डाग जिला है कोई, गुजरात में डाग जिला में अंजनी गुफा है, अंजनी नाम की कोई गुफा है। तो बोलते थे कि माता अंजनी ने इसी गुफा में हनुमान जी को जन्म दिया था। और तीसरा आपके पहले बिहार ही पड़ता था, अब वो जगह झारखंड में पड़ गया है, गुमला जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर आंजन गांव एक है, वहां पर भी लोग कहते हैं कि हनुमान जी का जन्म यहाँ हुआ था आंजन गांव में। और चौथा है कि पंपासर, ये तालुका मैसूर में पड़ता है, और यहाँ पर लोग कहते हैं कि अनेगुंदी एक जगह है जिसको पहले किष्किंधा कहा जाता था, वो तुग्रभद्रा नदी के किनारे पड़ता है।
और यहाँ पर हम्पी में ऋष्यमुख पर्वत है, आज भी है, जहाँ पर ऐसी मान्यता है कि राम जी, हनुमान जी और सुग्रीव जी की मित्रता हुई। ऋष्यमुख पर्वत नियर आया तब वहीं पर गए ना, तो वहां पर सुग्रीव जाता है, हनुमान जी राम राम जपते रहते हैं पर्वत पर बैठ के, तो कहता है देखो भाई कोई मिल आया है, लगता है मारने के लिए बाली ने भेजा है। तो वहीं हनुमान जी और राम जी की मित्रता होती है, तो बहुत से लोग कहते हैं कि हो सकता है उधर ही हनुमान जी का जन्म हुआ। खैर कहीं न कहीं तो शरीर का जन्म होता ही है, लेकिन जो वास्तविक वैराग्य ही हनुमान है, और वैराग्य तभी हृदय में आता है जब सदगुरु की कृपा हो जाए। इसलिए वैराग्य का स्थान आप लोगों ने देखा होगा कि चार जगह वैराग्य का स्थान है, जहां जाने पर मन कहता है कि मैं भजन करूं। पहला तो सदगुरु के पास, कोई अच्छे महात्मा सदगुरु संत के पास जाओ, जैसे सत्येशगढ़ आश्रम है जहां हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान अभी विराजमान है, वहां जब आप लोग जाते हैं तो सब लोग ऐसा फील करते हैं कि यहीं रहो और भजन करो, वैराग्य मन में आ जाता, दुनिया की झंझटों से बाहर हो जाओ। दूसरा, अगर पीएमसीएच या बीएचयू अस्पताल में चल जाओ, या बढ़िया कोई डॉक्टर जहां जिसका चल रहा हो, एनएमसीएच में लखनऊ में चल जाओ, तो वहां देखोगे कि 10 लाश जा रही है, 10 लाश आ रही है, लगता है साला पूरा दुनिया खत्म हो गया, भजन करो। कहीं जरल है, आई माई चिल्ला रहा है, तो कहीं मर के जा रहा है, तो वहां वैराग्य का निवास है। और तीसरा निवास वैराग्य का कहां है, तो मणिकर्णिका घाट पर, श्मशान में चल जाओ, अभी बगल में श्मशान बना है, उद्घाटन नहीं हुआ है, तो 2-4-5 को बैठल लगता है, खाली जरत चालू करे दो, ओकरे बाद वहां कोई नहीं बैठते, फिर वहां जाना ही नहीं, मन ही नहीं करेगा जाने के लिए, फिर वहां वैराग्य का निवास हो जाएगा, फिर वहां लगेगा कि साला सब मरिए गए लोग का धरती पर हो, भजन करना केकरा से उद्घाटन होते रहे जी। तो इसलिए खूब भजन भगवान का करना है, ये तीन जगह वैराग्य का निवास है इस धरती पर, और बाकी जगह सब जगह भोग है, भोग। वहां जाओगे तो फिर जीने का मन करेगा। हनुमान जी की एक बहुत प्रचलित और सुंदर कहानी है, उसी कहानी को सुना करके फिर मैं सुंदर कांड जो अभी आप सब लोग पढ़िए, ढोलक झाल बढ़िया निकाल के माइक सब लग जाएगा। तो हनुमान जी को भगवान श्री रामचंद्र जी ने किस तरह से हनुमान जी राम को अपने बस में कर लिए थे, जैसा कि मानस में बाबा तुलसीदास ने भी जिक्र किया है कि सुमिरी पवन सुत पावन नामु अपने बस करी राखे हूं राम। हनुमान जी भगवान के परम पावन नाम को स्मरण करके उन्हें खुश नहीं बल्कि उनको अपने बस में कर लिया। लोग कहते हैं ना कि फलना हमर बेटवा के बस में कहिए, पतोहिया हमर बेटवा के बस में कहिए, लोग बोले तो हनुमान जी भगवान को बस में कर लिए। बस में कैसे किए, तो हनुमान जी का इतना भाव था, तो एक बार जब रावण युद्ध समाप्त हो गया, भगवान पुष्पक विमान पर बैठ करके अवध आ गए, लोगों ने दिवाली मनाई, खुशियां मनाया, उसके बाद सब पूरे सुग्रीव जितने भी मंत्रिमंडल के साथ आए हुए थे, सब पूरी अयोध्या घूमे टहरे, और जब विदाई होने लगा तो हमारे भारत की संस्कृति है कि जैसे कि आप कहीं जाते हैं ससुराल में, किसी के हाथ अंग वस्त्र देता है, साड़ी देता है, जो जिसके पास रहता है, तो जब विदाई होने लगा हनुमान जी का,
सब का। तो हनुमान जी तो रोने लगे, क्योंकि अब देखे कि आज तो भगवान से हमको अलग हो जाना होगा। तो मानस में बाबा ने लिखा भी है कि सदा रहूं पुर आवत जाता, कहीं भी आप जाइए तो लेकिन सदा रहूं पुर आवत जाता। भगवान ने कहा कि आप लोग जा रहे हैं लेकिन सदा मेरे अयोध्यापुर में आते और जाते रहिएगा। तो भगवान सबको अपना, कोई को मोती का माला, कोई को हीरा का माला, कोई को जवाहरात का माला, क्योंकि सब लोग मेहनत किया था युद्ध में, दिए। हनुमान जी को भगवान इतना मानते थे कि अपने गर्दन का माला निकाल के हनुमान जी को दे। अब हनुमान जी को गर्दन का माला दे दिए, लेकिन हनुमान जी को मन वहां रहे था ना, उनको तो लग रहा है कि भगवान कहीं हमको कहने दें कि तू वहां जा, उनका तो मन बेचैन है। अब हनुमान जी मलवा के दतवा से तोड़ तोड़ करके लगे देखने, फोर फोर के ऐसे ऐसे। तो सुग्रीव कहे कि बचपन में एक फल समझ के सूरज को लील गया, अब लगा है फल समझ के ही खाएगा मोती के माला क्या। भगवान इतना मेहनत से दिए, कहेंगे हनुमान जी अरे मोती का माला है, वो भी भगवान ने अपने गर्दन में दिया है, हम लोगों को तो गोदरेज से निकाल के जहां सोना चांदी रखा है वहां से दिए, आपको इतना मानते हैं और आप ऐसा करिएगा, इसको खोर कहला रहे हैं, आखिर में बनरे के जात बनरे रहिएगा। तो हनुमान जी कहते हैं कि नहीं महाराज, मैं इसको खोर और नहीं रहा हूं, मैं अनादर नहीं कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि गले में हृदय में सीताराम जब विराज जा तब समझो तुम्हारी भक्ति पूर्ण हो गई। भगवान ने भी देखा, सब अचंभित रह गए, सब दंडवत प्रणाम किए, बोले भगवान, सब स्तुति लगे करने हनुमान जी की। और उसके बाद हनुमान जी अब कैसे कहें कि प्रभु मैं नहीं जाऊंगा, आज्ञाकारी थे, भगवान सबको विदा करने लगे, अंगद को सुग्रीव को। हनुमान जी कहे भगवान हम नहीं जा सकते, आपके चरणों को मैं नहीं छोड़ सकता, आपने वचन दिया था और मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, बस अपने चरणों में आप रखें। तो हनुमान जी को भगवान ने रख लिया और बाकी सब को विदा कर दिया। सब ऐसे ताकते जाएं, रोते जाएं, अंगद बार बार ताकें, बार बार उधर देख लें, फिर उधर ताकने लगे, मतलब जहां तक राम जी दिख रहे थे वहां तक लोग रामय जी को देखते विदा हो गए, सब अपने अपने नगर को चले गए। इसलिए आज के दिन ऐसी मान्यता है, ऐसा हमारा ऐतिहासिक सनातन संस्कृति है कि भगवान का, हनुमान जी का जन्म, शंकर जी रुद्र अवतार जो माने जाते हैं, वो स्वयं हनुमान जी बन के आज ही के दिन धरती पर भगवान का कार्य सेवा करने के लिए अवतीर्ण हुए थे। और जन्म भर हनुमान जी ने प्रभु श्री राम जी से, जब से यहाँ से मित्रता हुई किष्किंधा कांड से, तब से लेकर के खाली मंगलवार के भूखल रहो, बाकी दिन हड्डी नोचो तो हनुमान जी के भक्त हो गए। इसलिए बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, राजा रामचंद्र भगवान।